यूक्रेन का चित्र आप देख रहे हैं, ये कोरोना के समय के चित्र, शायद ये बच्ची का उम्र, ये क्लास होगा शायद ये 30 स्टैंडर्ड वाले KG 1-2 में कहीं होगा, ये इसकी आयु जितना दिख रही है ये KG 1-2 में होगा, और पीछे 3 लोग देखो पढ़ भी रहे हैं उनके साथ। देखो क्या ये कोई ग्रामीण इलाका का फोटो मेरे पास उन दिनों में आया था, इसमें सारा चीज है, कोई लोअर मिडिल क्लास का घर है, टेक्नोलॉजी, चिंतन जी इससे बढ़िया इनोवेशन क्या हो सकता है, एक स्टूल के ऊपर एक स्टैंड लगा के उसकी आई लेवल ठीक रहे, नॉइज उसको डिस्टर्ब ना करे ईयरफोन, यह भारत की विशेषता है जो आज हमारे CBSE की MOU हुई है। अभी मेरे को संजय कुमार जी स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी मेरे को कह रहे थे कि सर इसको हमें सारे स्कूल बोर्ड को एक्सटेंड करनी चाहिए, निश्चित रूप में मैं भी सहमत हूं, CBSE तो एक बेंचमार्क है, तो शुरुआत है, नेशनल बोर्ड है इसीलिए उसके साथ शुरू किया गया है, ये आने वाले दिनों में जो बच्चे स्कूल के यहां बैठे हैं आप किसमें हो, आपका होमवर्क तो अभी व्हाट्सएप में ही आता होगा, आता है ना, व्हाट्सएप में आता है, रील बनाते हो आप लोग, अभी दिनों में क्या रील बनाया, मैंने बनाया तो कैसे कैसे मुंडी हिला रहे, मैंने अभी देखा कुछ दिन पहले मेरे को इंस्टा में एक रील देखा मैंने, अभी सबसे पॉपुलर गाना क्या चल रहा है बताओ, बच्चे बताओ, बाहर के लोग मत बताओ, अभी एग्जामिनेशन होगा डिजिटल एग्जामिनेशन क्या है, शर्मा उमर, ऐसे शर्मा तो नहीं हो आप लोग, क्या क्या खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, झुमका नया चीज कुछ चल रहा है, मैं छोटा सा ग्रामीण स्कूल में एक बच्चा को देखा, वो नाच रहा है कावालिया संग में, वो क्या संग है, वो रजनीकांत का मूवी है, आप लोग रील बनाए कि नहीं बनाए, बनाए तो यहां भी बैठे हुए लोग एक आधा रील तो बनाए हम से, मेरे घर मैं अभी उड़ीसा में जा रहा था, ग्रामीण इलाका में एक बच्ची मेडिकल पढ़ रही है, घर में आया मैं उसके घर गया था, चाय वाय पिया, थोड़ा उसको अलग में पूछा तो क्या करना चाहती है, बोला अंकल मैं रील बनाना चाहता हूँ, मेडिकल पढ़ रही है, उसके अंदर कुछ टैलेंट है, अच्छा गाना गाती है, अच्छा डांस करती है, उसकी इच्छा है मैं रील बना के इस काम पे करूं। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दो चीज को जोड़ा है, मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री, मेडिकल भी पढ़ाई करोगे, रील को भी बनाओगे, आप नेशनल टैलेंट हंट में भी चले जाओगे, और उसको रील बनाना चाहता हूं, मेडिकल पढ़ रही है, उसके अंदर कुछ टैलेंट है, अच्छा गाना गाती है, अच्छा डांस करती है, उसकी इच्छा है मैं रील बना के इस काम पे करूं। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दो चीज को जोड़ा है, मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री, मेडिकल भी पढ़ाई करोगे, रील को भी बनाओगे, आप नेशनल टैलेंट हंट में भी चले जाओगे, और उसको ये सारे जो कोर्स अभी मेटा आपको ऑफर कर रहा है, वो निस्बॉर्ड के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के हो या स्कूल एजुकेशन के साथ जो आपकी टाई अप है, इसकी जो क्रेडिट अर्न होगा उस पढ़ाई का, NCRF नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के आर्किटेक्ट के तहत इस सारे का क्रेडिट कैलकुलेशन किया जाएगा, क्रेडिट लेवल ये सब तो निश्चित रूप में क्रेडिट 2 से शुरू होके काफी ऊपर तक जा सकता है,
मैं मेटा को सुझाव दूंगा, तीनों डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके इसकी ट्रेनिंग के साथ साथ उसकी क्रेडिट ट्रांसफर की व्यवस्था भी, क्योंकि भारत सरकार सारे विद्यार्थियों को एजुकेशन रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की ओर ले जा रही अपार। स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल भी हम बना रहे हैं, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में सभी की रजिस्ट्रेशन हो जाए, सभी की स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो जाए, ये हमारी आपसे अपेक्षा रहेगा। तीसरा जो आज हमारी एमओयू हुई है, वो है AICT के साथ। अभी मित्र चंद्रयान हुआ, चंद्रयान में कई फीचर सामने आया है। एक फीचर आया कि चंद्रयान में वुमेन साइंटिस्ट की बड़ा रोल रहा है, और वुमेन साइंटिस्ट की किसी सोशल एनालिसिस ने लिखा है, कलम लिखा है, इस बार वुमेन साइंटिस्ट में से भी एक विशेषता था, साड़ी और बिंदी वाले साइंटिस्ट ज्यादा थे। यानी ये भारत की रूटेडनेस का एक रिफ्लेक्शन है। फिर उसमें आगे और लिखा है कि कई एनालिसिस आए हैं कि इसमें टायर टू टायर थ्री इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा है। यानी देयर इज नो मोर मोनोपोली ऑफ IIT एंड फ्यू NIT लाइक इंस्टीट्यूशंस टू लीड दिस मूवमेंट। देश की वैज्ञानिक क्षमता को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए कहीं ITI का, कहीं स्किल सेंटर का, कहीं पॉलिटेक्निक का, कहीं BSc अच्छे मैथमेटिक्स कोर्स वालों की कॉलेज, कहीं टायर टू टायर थ्री इंजीनियरिंग कॉलेज, AICTE अफिलेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज की लोगों की पार्टिसिपेशन था।